हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राधे कृष्णा मोटिवेशनल चैनल पर माय फर्स्ट ब्लॉग। आइए शुरुआत करते हैं, जिनका नाम हम बताने जा रहे हैं गाइस, पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजता है गाइस। हाँ गाइस, पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजता है, पूरी दुनिया उन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है गाइस। हाँ गाइस, राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी, उनके बारे में आइए जानते हैं। उनका जन्म बिहार के छोटे से जिला बेगूसराय के छोटे से गांव में सिमरिया में हुआ था। अब देख सकते हैं गाइस, बेगूसराय वो पार है गाइस, और रामधारी दिनकर जी नदी पार के विद्यालय पढ़ने आते थे। ये नदी देख सकते हैं, यही नदी पार करके विद्यालय पढ़ने आते थे गाइस इस ओर। अब चलते हैं विद्यालय की ओर गाइस। दोस्तों आ चुके हैं रामधारी दिनकर जी का स्कूल, गंगा जी से गाइस 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है गाइस। और यह देख सकते हैं गाइस, रामधारी दिनकर जी का स्कूल है गाइस दिनकर द्वार। जब दिनकर जी जब यहाँ विद्यालय आते थे पढ़ने, तो टीचर लोग को कहाँ पता था गाइस कि इनके नाम से पूरा विद्यालय जाना जाएगा। गाइस जो मेहनत के पीछे दीवाने हो जाते गाइस, पूरा दुनिया उनके दीवाने हो जाते गाइस। और यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं गाइस, ये हमारे सब्सक्राइबर है गाइस, देख सकते हैं। हाय गाइस, हम लोग इनका सब्सक्राइबर है, आपको अगर इनका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटे बच्चे सब्सक्राइबर भी है भाई, भाई 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 भाई। और गाइस अब आगे चलते हैं, मुझे गर्व है कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। कुछ लोग तो बिहार को ऐसा वैसा बोलते गाइस, बिहार में इतने महान पुरुषों का जन्म स्थान है गाइस। इस वीडियो में बताना स्टार्ट करेगा ही तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा जी। अब बिना देरी किए अब अंदर चलते, अब अंदर आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस। ये गाइस ये पुराना ऑफिस है गाइस, जो सामने दिख रहा है गाइस, जो पुराना है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं पुराना ऑफिस है गाइस, ये पुराना क्लासरूम है गाइस। ये दिनकर जी का लाइब्रेरी है सर, पुस्तकालय। चलते हैं अंदर, वहाँ देखिए गाइस बहुत पुराना है गाइस, देख सकते हैं यहाँ बच्चा लोग गाइस, देख सकते हैं ये न्यू बिल्डिंग है गाइस, ये पुराना लाइब्रेरी है, ठीक से है गाइस, ये भी काफ़ी पुराना है गाइस, देख सकते हैं आपको अंदर भी ले जाने, देखिए अंदर में देख सकते हैं गाइस, लॉक लगा हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं दिनकर जी का फोटो है, देख सकते हैं आप। और यह चलिए गाइस, यार ये सब लाइब्रेरी है गाइस, अभी तो लॉक लगा है गाइस, देख सकते हैं सभी। और हमारे दिनकर जी यहीं से मैट्रिक पास किए थे गाइस, और देख सकते हैं लॉक लगा है गाइस, देख सकते हैं थोड़ा सा है आपको दिखाने का गाइस, देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं था गाइस, ये देख सकते हैं पुराना बिल्डिंग है गाइस, वो क्लास था गाइस। अब देखिए ये न्यू बिल्डिंग है गाइस, इसमें रूम क्लासरूम भी है, ऑफिस भी गाइस, इसमें उधर आपको दिखाई दिए थे लाइब्रेरी था गाइस दिनकर जी के। या देखिए दिनकर जी के समय में ये मैट्रिक तक था गाइस, अब ये 10+2 हो गया गाइस, यानी 12 तक हो गया गाइस, देख सकते हैं। और ये प्लेग्राउंड भी है गाइस, देख सकते हैं यहाँ सब क्रिकेट खेल रहा है, वह बैठने वाला गाइस है, देख सकते हैं यहाँ सब क्रिकेट खेल रहा है गाइस, देख सकते हैं यह लंबा छक्का मार दिया गाइस, देख सकते हैं पहले, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है गाइस। ये सब यहाँ बच्चा लोग आ चुका है गाइस, देख सकते हैं ये बैठने के लिए बनाया गाइस, देख सकते हैं
दिनकर स्टेडियम मुकामा घाट देख सकते हैं। चलिए आइए ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर काफी बड़ा है गाइस देख सकते हैं। यहाँ क्रिकेट सब खेल रहा है, प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है गाइस। और ये प्लेग्राउंड आप जान सकते हैं दिनकर द्वार के अंदर में है गाइस देख सकते हैं। आपको हम पूरा दिखा चुके हैं दिनकर द्वार आपको दिखा दी गए गाइस। आइए दिनकर जी के बारे में जीवन परिचय जानते हैं। उनका जन्म एक छोटे से गांव सिमरिया में हुआ था गाइस, आपको बता चुके गाइस। और उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ गाइस। और गाइस उनका पिताजी का नाम श्री रवि सिंह था गाइस, और उनका माताजी का नाम श्रीमती मनुरूप देवी था गाइस। और दिनकर जी हमारे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके गाइस, वो भी एक दो साल नहीं गाइस, वो भी पूरा 12 साल गाइस 1952 से लेकर 1964 तक गाइस। और दिनकर जी के जीवन इतनी संघर्ष और इतनी गरीबी से गुजरे गाइस आप लोग जानते ही होंगे। और उनका मृत्यु गाइस 24 अप्रैल 1974 को हुआ था गाइस, वो भी चेन्नई में। ये वीडियो आपको कैसी लगी दिनकर द्वार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।